ये भी आप तीन बंदों ने फांसी दी अपने आप को लांडी चिराग होटल 5 नंबर पे, आप लोग को कि कोई कुछ भी इलम नहीं है, बच्चों के समेत उसने फांसी दी है घर में, सिर्फ किस बात पे, नाश्ता नहीं था घर में, बच्चों क्या घर में नाश्ता नहीं था। इनसे कहो कि पानी जो वहाँ से आता ना नहर से उसमें जहर मिला ताकि सारी कौम मर जाए, तुमने सुकून से जो फूल का बुलबुल के साथ, चट्टानों का संगीनी के साथ, बहारों का रंगीनी के साथ, चांद का चकोर के साथ, तालीम इलम का किताबों के साथ, पेन का स्याही के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेन वीडियो देखने के लिए आप अभी से 1 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पाकिस्तानी आवाम पर होने वाली है, जो कि अपने गुस्सा जो जाहिर कर रहे हैं वो इमरान खान पर कर रहे हैं, जिसके बाद जो इसमें से एक दो फाइट भी हैं जो कि आप वीडियो को लास्ट में देखेंगे, वो मैंने ट्रेलर में नहीं दिखा रखा है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये जो पाकिस्तानी आवाम है वो इसलिए इतने गुस्से में है क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में रैली चल रहा है इमरान खान के खिलाफ, जिसमें कि नारे लगाए जा रहे हैं गो इमरान खान गो, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है, जिसके बाद 11 पार्टियाँ जो पार्टियाँ हैं पाकिस्तान में वो एक साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ़ साजिश रच रही है और इमरान खान को गद्दी से उतारने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए, हम मिलते हैं हमसे वीडियो के लास्ट। बाबा क्या कहेंगे, ये तो इतना महंगाई जो हो रही है, ये महंगाई के बारे में मैं क्या कहूँ, महंगाई नहीं, महंगाई तो ये हमारे ऊपर जो है बम का गोला गिराया हुआ है। इस हुकूमत ने हमारे से एतमाद में वोट लेकर हमें धोखा दिया। कोई हुकूमत की कार्रवाई नहीं है, सिर्फ अपना पेट और अपना मफा सीधा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है उसके पास। सही, कोई वादा नारे जो थे वो पूरे हुए कि नहीं? कोई नारा नहीं, कोई वादा नहीं, सब झूठ, सरासर झूठ। कोई आवाम को कोई रिलीफ नहीं है? कोई रिलीफ नहीं है। इमरान खान सिर सर से लेकर पेट तक मेरे को झूठ ही झूठ नजर। सारे चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है। मैं तो सिर्फ अपने कायद इमरान खान के मुतल्लिक एक ही बात कहूँगा कि मेरे कायद इमरान खान का अपने कारकुनों के साथ वो रिश्ता है जो फूल का बुलबुल के साथ, चट्टानों का संगीनी के साथ, बहारों का रंगीनी के साथ, चांद का चकोर के साथ, तालीम इलम का किताबों के साथ, पेन का स्याही के साथ, दिन का उजाले के साथ, रात का अंधेरे के साथ। इस कौम को शऊर आ गया। आप बताएं जो चलने फिरने वाले आम लोग हैं, मईशत की बातें करते हैं, डॉलर के रेट की बात करते हैं। ये सोए हुए थे 35 साल से, जब 36,000 थे घरों में उन्होंने बांटी हुई थी अपने। मुझे एक सवाल का जवाब दे, महंगाई हुई है? महंगाई बिल्कुल हुई है, लेकिन जब पिछली हुकूमतों किया था। अच्छा, ये इमरान खान साहब इतने पावरफुल नहीं है कि पीछे हुकूमतें जो है वो इतना लंबा प्लान छोड़ के गई कि आगे 5 सालों तक महंगाई होती रही। इमरान खान साहब तो पावरफुल, यूजफुल, हैंडफुल, थैंकफुल, ग्रेटफुल और ब्यूटीफुल किस्म के बंदे हैं। और मुझे लगता है कि इनके लिए यही बहुत है। हमारी हुकूमत जो है ना बिल्कुल नहीं सुनती है, जिसका जो दिल चाहता है वो रेट बढ़ा देता है। चीनी का हुआ, गोश्त का हुआ, हर चीज़ का। अब ये लॉकडाउन चल रहा है, बेरोजगारी है, हम लोग ठेला लगा रहे हैं, पुलिस वाले भगाते हैं हमें, ठीक है ना। अब हम कहाँ से जाके खर्चा करें घर का पूरा। बहुत महंगाई करी हुई है भाई, गरीब इंसान तो खाने का परेशान है, काम भी नहीं है, और बुजुर्ग आदमियों को काम भी नहीं दे रहे, बच्चे भी बैठे हुए हैं। हुकूमत ये काम थोड़ी है कि महंगाई इतनी करना, कितने कितने साल भी होगा तो जो वादे किए थे वो पूरे किए, नौकरी देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। इनसे कहो कि पानी जो वहाँ से आता ना नहर से उसमें जहर मिला ताकि सारी कौम मर जाए, तुम्हें सुकून से रहो। हर चीज दूध वगैरह हर चीज महंगी कर दी है भैया, सारी चीजें महंगी कर दी हैं, कोई चीज सस्ती है? और क्या, हर चीज महंगी, हर चीज महंगी, बंदा क्या नाम है, यहाँ खाने पीने को नहीं है, महंगाई इतनी कर दी है, कारोबार है नहीं। तो ये 2 साल हुकूमत को होगा तो कुछ फायदा हुआ आम को? कुछ हमें तो कोई फायदा नहीं है भाई, कोई नहीं, नहीं हमें तो कोई फायदा नहीं है भाई। अगर फायदा नजर आएगा तो हम खुद आप लोगों को बताएंगे, हाँ भाई हमें फायदा, हमें कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आया, कोई बेनिफिट नहीं है इस हुकूमत से हमें। सब तरफ गंदगियाँ है, कचरे के ढेर है, सब कुछ है, महंगाई है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं। और जो महंगाई इतनी हुई हुई है जी, हाँ वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं, बल्कि और मजीद होती चली जा रही है। दूध सस्ता हुआ था, पेट्रोल सस्ता हुआ था, दोबारा महंगा हो गया। बहुत महंगाई भाई, बहुत महंगाई, हर चीज़ महंगी है, दूध सब। गरीब गरीब क्या खाएगा बताएं, आप कुछ खाएगा गरीब?
अब तो और हो गई है। इमरान खान तो बोल लेते सस्ताई हो जाएगी। और उनके दो साल भी कंप्लीट हो गए तो कोई फायदा हुआ आवाम को? कोई फायदा नहीं हो तो भूखा मरने पे नौबत आ गई, जिसका कमाने वाला नहीं हो क्या करेगा? मजदूरियाँ है नहीं कि मजदूरियाँ हो, कोई वही नहीं है। सर क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हो रही है, हर चीज़ आग लगी हुई है भाई। आग तो सारी जगह लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है भाई। मतलब जो एक दूध बचा था उसको भी महंगा कर दिया हो। वो तो जाहिर है करें, पाकिस्तान आटा दही दूध हर चीज़ महंगी है। मतलब कोई चीज़ आपको इंसान की मतलब बस में नहीं रही है, जो आवाम जो बेचारी पिस रही है, बेरोजगारी भी अलग है। आवाम वैसी पिस रही है और पिस रही है, यहाँ पर पाकिस्तान है भाई। इमरान खान हुकूमत है माशाल्लाह, जिसकी भी हुकूमत आएगी सब ऐसे ही है। तो हुकूमत को, उनकी हुकूमत को दो साल भी हो गए तो कोई रिलीफ मिला? जो वादे किए थे आवाम को आसानियाँ दी जाएंगी, कुछ भी नहीं मिले माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कुछ भी नहीं मिला अल्लाह के हुकूम से। ये देख लें रोड वोड सारी स्पेशल हैं यहाँ के, खड्डे गटर बहेंगे, लाइट तो होती है, कभी आती है कभी जाती है। और वो बिजली के बिल तो माशाल्लाह अच्छे देते हैं, तगड़े आवाम खुश हो जाती है, सुकून से रहती है। तो अब क्या करें इंसान, गरीब इंसान क्या करें? मतलब हर चीज़ महंगी हुई है, दालें सब्जियां, अब दूध, हर चीज़। अब तो आटे पे बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, चीनी पे। क्या करें इंसान, ना बच्चों का रोजगार है ना काम धंधे हैं, तो क्या करेगा? ये बताओ इतनी महंगाई कर दी है, कहाँ से खाएगा? कोई पूछने नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता, जिसका दिल चाह रहा है उस हिसाब से बेच रहा है वो बस। अब ये मिर्च है 50 रुपए पाओ, खरीदने से पहले लग जाती पहले। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। अल्लाह रहम करे, परवरदिगार इन हुक्मरानों के ऊपर। इनसे कहो, इन कह दोगे ना, इनसे कहो कि पानी जो वहाँ से आता है ना नहर से, उसमें जहर मिला ताकि सारी कौम मर जाए, तुम लोग सुकून से रहो। इतनी महंगाई है, हर दिन नया दिन होता है। और महंगाई आटे पे भी 450 रुपये बढ़ाएँ, चीनी पे भी 150 रुपये बढ़ाएँ, गोरी गोबर समझे 60 रुपये आटा हो गया है, 90 रुपये चीनी हो गई है। क्या कर रहे हो यार, कैसे चला रहे हो इस मुल्क को भाई? बहुत गलत कर रहे हैं, हमारा संग हमारा दिल दुख रहा है, बस्ती दिन भर में चलता फसा हुए, एक भत्ते को भी नशे में बेटा तो बंद कर दे, बहुत परेशान कर रखा है। ये हक बात ये है बेटे कि जिन उन लोगों ने इन्होंने वादा किए दो साल से, इनके पुराने क्लिप्स उठा के देखें, जो इनकी बातें थी उससे बिल्कुल ये मुनहरिफ हैं। इन्होंने बिल्कुल ऐसे बाहर के लोग ला के रखे हुए जो इनको पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं। वो आज यहाँ पाकिस्तान को लूट कर कल फिर वापस अमरीका, बरतानिया और जहाँ जहाँ से वो आए वहाँ चले जाएंगे। फेडरल टैक्स कितना है इसके ऊपर? समथिंग 200 रुपये, 1100 रुपये, 200 रुपये अगर टैक्स है। ये फेडरल टैक्स है जी, ये फेडरल टैक्स है। जब गवर्नमेंट फेडरल टैक्स नहीं हटाएगी तो महंगाई कहाँ जाएगी? ये भी आप तीन बंदों ने फांसी दी अपने आप को, लांडी चिराग होटल 5 नंबर पे। आप लोग को कोई कुछ भी इलम नहीं है, बच्चों के समेत उसने फांसी दी है घर में। सिर्फ किस बात पे? नाश्ता नहीं था घर में, बच्चों क्या घर में नाश्ता नहीं था, ये हालत है, ये इस तरीके की तब्दीली है। तो दोस्तों आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए दिल से थैंक यू। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसी पाकिस्तानी आवाम इमरान खान के ख़िलाफ़ गुस्से में है और अपना गुस्सा जाहिर लाइव टीवी पर भी कर रही है और इमरान खान को नाकाम गवर्नमेंट बता रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था तो उस समय भी पाकिस्तानी जो आवाम थी वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बोलती थी, लेकिन जो महंगाई है, जो वहाँ पर खाने पीने की दिक्कत अब आ रही है, वो उस समय नहीं थी। हालांकि उस समय भी पाकिस्तानी आवाम ने उसे गद्दार नहीं मतलब पैसे हड़पने की उस पर इल्ज़ाम लगा था, लेकिन पाकिस्तान में उस समय खाने पीने की चीज़ें या रहने वहने मतलब उसमें महंगाई इतनी नहीं थी जो कि अभी महंगाई है। इसके वजह से आज जितने भी पहले इमरान खान को वोट दे चुके हैं वो आज लाइव टीवी पर सबके सामने बोल रहे हैं कि अगर फिर से चुनाव होता है तो हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के दूसरी पार्टी है उसको वोट देकर जिताएंगे, क्योंकि इमरान खान नाकाम रहा है। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान एक अच्छा बैट्समैन तो हो सकता है लेकिन कभी गवर्नमेंट एक पीएम नहीं हो सकता, क्योंकि बैट्समैन और पीएम में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। और यहाँ पर जो नवाज़ शरीफ है उन्होंने कुछ दिन पहले एक तकरीर में अपने उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी यानी कि आर्मी चीफ बाजवा को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान बाजवा का पालतू कुत्ता है और जो बाजवा बोलता है वही इमरान खान करता है। और उसने सीधा सीधा पाकिस्तानी जो आर्मी है उसको एक्सपोज करते हुए, जो वहाँ के पीएम इमरान खान के ख़िलाफ़ को भी मतलब एक्सपोज करते हुए उन्होंने अपने तकरीर में बहुत सारी बातें की, जिसके बाद
इमरान खान का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ मतलब पर्सनल बातें कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक हंगामा का माहौल चल रहा है और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इमरान खान की जो सरकार है वो जाने वाली है। और अगर हम सही बात करें तो यहाँ पर आर्मी भी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ हो गई, क्योंकि आपको पता है कि जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया है तब से पाकिस्तानी जो आर्मी है वो आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में असफल रही है। और अभी की न्यूज़ अगर बात करें तो अभी आज के न्यूज़ में देख रहा था तो उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो दो जगहों से घुसने की कोशिश कर रहे हैं और एक नीचे नीचे बंकर सा बनाया जा रहा है जिससे पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो इंडिया में घुस सके और यहाँ पर आतंकवाद बढ़ाया जा सके। और इससे जो चाइनीज हैं वो भी खिलाफ है, क्योंकि चाइना इनडायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान सपोर्ट करता है आतंकवादी को, ये सबको पता है। तो यहाँ पर अगर एक तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान में इमरान खान चारों तरफ से घिर गए हैं और उनके पास कुछ बचा नहीं है, तभी वो उल्टी सीधी बात भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने अगर दो या तीन दिन पहले की तकरीर सुनेंगे आप लोग तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जो इमरान खान की दिमागी स्थिति है वो थोड़ी हिल डुल गई है, क्योंकि वो कुछ भी बोल दे रहे हैं। और पाकिस्तान, आपको पता है कि जब से इमरान खान आए तब से पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ी है और इसी की वजह से आज हर पाकिस्तानी बोल रहा है कि इमरान खान को अपने पद से हटना चाहिए और दूसरे किसी लीडर को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पाक मीडिया से रिलेटेड हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ अनलाइक करने के लिए होते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ ज़रूर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।